हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 90 डिग्री पर आधारित त्रिभुज का कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें टाइप वाइज बांट दिए हैं, तो पहला टाइप है हम लोग का फर्स्ट टाइप है। इसमें पहला क्वेश्चन है थीटा के पूरक कोण, थीटा के पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में व्यक्त करें। जानकारी के लिए आपको बता दें सबसे पहले कि जब भी पूरक कोण कहेगा ना तो 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री को ही हम लोग पूरक कोण कहते हैं। तो करें थीटा के पूरक, यानी थीटा को 90 डिग्री के रूप में लिखना है, ठीक है। और जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उसमें व्यक्त करना है। इसका अर्थ यह हुआ इसको बहुत आसानी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ए का आंसर हम लोग का अगर देना हो तो कॉस है, तो कॉस थीटा इसका पूरक कोण लिखना है। तो कैसे लिखेंगे हम लोग, तो कॉस का इनवर्स क्या होता है 90 डिग्री वाला पे, तो वेब वीडियो में आप देख लीजिएगा। तो कॉस का साइन होता है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा। और साइन 90 माइनस थीटा ही तो कॉस थीटा होता है ना, तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये पूरक कोण हुआ, ठीक है, किस रूप में थीटा के पूरक कोण, ये थीटा का पूरक कोण हुआ। ऐसी तरह बी का देखेंगे हम लोग, तो बी कितना है, तो सेक थीटा है, इसको कैसे पूरक में लिखेंगे, तो सेक किसका होता है कोसेक का, कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है, इसीलिए सेक थीटा बराबर कोसेक 90 माइनस थीटा। ये दोनों सही है, तो जो हम फॉर्मूला लिखे हैं सेक थीटा बराबर ये बराबर ये दोनों याद कर लीजिएगा। इसी तरह हम लोग का टैन का है तीसरा, तो तीसरा कितना आपका टैन है, ये बी है, ये सी है, ऐसे कर लीजिए, और ये डी है, तो ये बी हो गया और ये सी, सी में देखेंगे तो टैन थीटा, तो टैन थीटा कैसे लिखेंगे हम लोग, तो कॉट 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टैन थीटा होता है, ये फॉर्मूला है और इसी को पूरक कहते हैं 90 को। और चौथा कितना आपके पास है, तो चौथा है साइन थीटा, तो साइन को कैसे लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, हो गया, ये आपका आंसर हो गया पूरक के रूप में। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कराया कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 और 45 के बीच, यानी 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में लिखना है या व्यक्त करना है, यानी इसको एंगल 0 और 45 के बीच में इसको भी चेंज करना है और इसको भी चेंज करना है। किसके बीच में कौन होना चाहिए, 0 और 45 के बीच में कौन होना चाहिए, इसका भी 0 और 45 के बीच में कौन होना चाहिए, उस रूप में व्यक्त कर दीजिए। तो हम देखेंगे साइन का साइन है, ठीक है, और 90 में से कितना घटाएंगे कि ये आ जाएगा, तो 90 इसको ऐसे नहीं सकते, 90 माइनस और इसको घटाएंगे, तो घटाएंगे तो हम लोग 23 दे जाएगा, 90 में से 23 घटाएंगे 67 आ जाएगा, अलग जी, तो 23 प्लस कॉस का कॉस 90 में से कितना घटाएंगे कि 75 आएगा, ठीक है, तो आप 25 घटाएंगे, तो 25 घटाएंगे तो 25 जैसे घटाएंगे तो 5 कितना आएगा 5, और फिर कितना बचेगा, तो बचेगा 8, 8 में से जुड़ गया 6, यानी आप 15 घटाएंगे, 90 से 15 घटाएंगे तो 75 आ जाएगा आपका, ठीक है, और 90 में से 30 घटाएंगे तो 67 आ जाएगा। तो 67 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं साइन का साइन, और 90 माइनस 23 आराम से लिख सकते हैं, और कॉस को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 75 को 90 माइनस 15। और हमेशा याद रखेंगे हमेशा 90 पर ही चेंज करेंगे, अब बोलेंगे 60 प्लस 30 कर दे ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि 90 पर फॉर्मूला होता है, इसीलिए 90 पे 90 में से ही घटाएंगे। अब ध्यान से देखेंगे तो साइन 90 माइनस थीटा हो गया, तो क्या होता है कॉस, और ये थीटा का काम करना है 30 डिग्री से 23 डिग्री, फिर प्लस का प्लस कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस जाता है साइन में, तो कितना होगा साइन, और ये कितना है 15, 15 यही आपका आंसर हो गया।
अब कोण क्या था, 0 और 45 के बीच में कोण, देखिए ये 23 इसी के बीच का कोण है और 15 इसी के बीच का कोण है, ठीक है। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, तो तीसरा क्वेश्चन का आंसर हम लोग जानते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया है sec 2a इज इक्वल टू cos sec a माइनस 42 डिग्री, ठीक है, ये दिया है sec 2a बराबर cos sec a माइनस 42 डिग्री, जहां 2a क्या है, तो 2a एक न्यून कोण है, न्यून कोण किसे कहते हैं, न्यून कोण है, न्यून कोण किसे कहते हैं, तो वो कोण जो 0 और 90 डिग्री के बीच में होता है, ठीक है, उसी को हम लोग न्यून कोण कहते हैं, यानी 0 से लेकर 90 के बीच में। अब पता कर रहा है कि a का वैल्यू कितना होगा, a का मान कितना होगा, और ये आपको दिया हुआ है। इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दीजिएगा, इसको जब भी रहेगा ना तो ये दोनों सेम करना चाहेंगे, और ये सेम कब होगा, तो 90 वाला फॉर्मूला से होगा, इसीलिए sec है तो cosec वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो cosec 90 माइनस इसी को हटाएंगे 2a। अब ध्यान देंगे तो cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है, sec थीटा, ये देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं और इसको चेंज नहीं करेंगे क्योंकि मेरा सेम हो जाएगा, तो कितना होगा cosec a माइनस 42 डिग्री। अब cosec से cosec खत्म हो जाएगा तो बचेगा कितना, 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 42 डिग्री। अब हम लोग a को एक साइड करेंगे तो 90, ठीक है, और 42 इधर आएगा तो प्लस में 42 इक्वल टू ये इधर जाएगा तो a, अब प्लस में कितना होगा, और 2a कितना होगा, 3a, ये कितना होगा, तो 2 और 9 4 13 132 आ जाएगा। तो आप a का वैल्यू निकालेंगे तो ये बटन है 132 और y में कितना 3, अब काट लीजिए तो काटेंगे कितना आएगा, चलिए 12 फिर चढ़ती है बारह, यानी 44 डिग्री आएगा, इसीलिए a इक्वल टू कितना आएगा 44 डिग्री, यही आपका आंसर हो गया। a का मान निकालना था, मेन आप बोलोगे यहां ध्यान देंगे यहां पे, ठीक है, 90 पर चेंज कर रहा है। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन करा है, सिद्ध करना है त्रिभुज एबीसी में, एबीसी एक त्रिभुज दे दिया है, तो ऐसे एक त्रिभुज है और इसका नाम एबीसी है, एबीसी, तो एबीसी एक त्रिभुज है, तो आप जानते हैं एबीसी त्रिभुज में तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है, कितना होता है 180 डिग्री, तो सिद्ध करना ऐसा है a प्लस बी बाई टू इज इक्वल टू कॉस सी बाई टू, यही हम लोग को सिद्ध करना है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि त्रिभुज चौथा का आंसर है आपका त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब एलिजेस में कितना है, ए प्लस बी है तो ए प्लस बी निकालिए, ए प्लस बी बराबर सी को कर भेजेंगे 180 माइनस सी। अब एलएचएस को ही हमेशा ध्यान रखते रहेंगे, इधर क्या है बटा में 2 है तो 2 से भाग दीजिए, तो लिखेंगे दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, ठीक है, 2 से भाग देंगे तो a प्लस बी बटा 2 इक्वल टू 180 माइनस सी, बाय में कितना लिखेंगे, तो इसको बारी बारी से उतारेंगे तो 80 बाई टू तो 90 हो जाएगा माइनस सी बाई टू, क्योंकि ये बारी बारी से उतारेंगे, तो इधर चलेगा क्या a प्लस बी बट्टा 2। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ साइन से गुना कर देंगे, क्या करेंगे दोनों तरफ साइन से गुना करने पर, गुणा करने पर जैसे दोनों तरफ गुणा करेंगे कितना आएगा, तो साइन a प्लस बी बाई टू, और ये कितना होगा साइन
90 माइनस सी बाई टू, और साइन 90 माइनस सी बाई टू तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस सी बाई टू। इधर क्या है साइन ए प्लस बी बाई टू, इसी को हम लोग को प्रूफ करना था, ये हम लोग का प्रूफ हो गया, ठीक है।